ऐसा प्लानिंग नहीं था कि मेरे को एमबीए करना है, तो मैं आई वुड से कि अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि एक कॉलेज लाइफ एंजॉय होने वाला है तो दैट तो IIM में आपको मतलब क्या एडवांटेज मिला, मतलब कि बिफोर MBA और अगर आफ्टर MBA करने के बाद क्या लाइफस्टाइल रहा आपका? मैं अभी EY में हूँ एज अ टैक्स एनालिस्ट. ओके, तो दिस जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसी का ही IIM ने एक अलग से कंडक्ट करवाया था कोर्स. आजकल ना एजुकेशन को बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना रखा है. से कैसे, अगर मान ले कैट करते हैं, कैट में अगर अच्छा स्कोर नहीं आता तो क्या करें, सेकंड आपके स्टेप पास क्या है? दूसरा ऑप्शन बिजनेस मैन आर नॉट मेड, दे आर बोर्न. क्या है, मैं उनसे स्पेशली ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाओ. मतलब मैं भी हर जगह पे इम्पॉर्टेंट नहीं है. अब मैंने बोला ना, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ आपको इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है. बट अगर आप उसी कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा बहुत नर्वस होता है, कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछे या कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछे एंड यू आर टोटली ब्लैंक अबाउट दैट टॉपिक, आपको कि आपको अगर ऑफिस का टाइम आपका 9 बजे है तो एवरी डे यू कैनॉट गो आफ्टर 9. ये बेसिकली आपका, आप बोलते हैं ना परफॉर्मेंस के टाइम पे, जब हम लोग सिंगापुर गए थे तो बोलते हैं ना लाइफ में हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो सिंगापुर से हमने सीखा था, वहाँ जब हमारा सेशन होना होता था, हर रोज़ हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता था अराउंड 8 और 9, एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सुबह कब होगा ये जाएगी, मैं पढ़ने बैठूंगी. मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था. उसमें मुझे अपना नाम चाहिए था और मैंने सोशल मतलब फेसबुक वगैरह तो 1 मंथ के लिए टोटली अनइंस्टॉल, और मैं अपना पूरा फोकस अपने एप्टीट्यूड अपना मतलब जो मतलब कि बहुत लोग आप देखोगे ना वैसा इन्वायरमेंट है IIM में, बाकी कॉलेजेस में भी होंगे आई एम श्योर, कि आप देख रहे हो कि लोग पढ़ रहे हैं, देर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट की यहाँ लेना है, देर टॉकिंग अबाउट कि एप्टीट्यूड एग्जाम है कल, ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी है. उस चीज़ को देख पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पार्टनर चूज करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है वेदर ही इज सपोर्टिव और नॉट. अब अगर वो बार बार आपको टॉर्चर कर रहा है या कर रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर थिंग्स, तो डेफिनेटली क्विट दैट रिलेशनशिप. हेलो एंड वेलकम बैक टू IIM पाथ यूट्यूब चैनल. तो आज जो अभी जो मेरे साथ में जो गेस्ट बैठे हुए हैं, दोनों गेस्ट, जो कि सबसे पहले अपना दोनों इंट्रोडक्शन देखें, जो कि आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, आज के पॉडकास्ट से आप लोग भी बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट से जो लोग MBA करने का इस साल सोच रहे हैं या करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्प आउट होने वाला है. तो सबसे पहले अपना आप दोनों इंट्रोडक्शन दे दें. हाय सचिन, हाय एवरीवन. सो माय नेम इज रिंकी एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कैलकुटा यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2020-29. एंड पोस्ट दैट मैंने अपना MBA किया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, फाइनेंस मेजर में, एंड देन आई गॉट प्लेस्ड इन EY एंड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, सो आई एम सर्विंग इन EY. सो दैट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. तो आप MBA का जैसे माइंड में ख्याल कहाँ से आया कि MBA ही करना है? ओके, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि आई वॉज नॉट वेरी प्रिपेयर्ड कि मैं क्लास 10th या 12th देने के बाद ही सोचूं कि मेरे को MBA करना है. मेरा वैसा कुछ नहीं था प्लानिंग. आई वॉज जस्ट कि मेरे को एक ग्रेजुएशन करना है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग फॉर 1 ईयर, एंड उसके बाद मेरे सारे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स सब कॉर्पोरेट में थे, एंड देन माई फैमिली एंड माई यू नो फ्रेंड्स सजेस्टेड कि यू शुड परस्यू फॉर फर्दर एडुकेशन, एंड देन मैंने अपना कैट दिया एंड देन आई ऑप्टेड फॉर MBA. आई गॉट इन टू IIM एंड सो द प्रोसेस कंटिन्यूड. कैट में आप ये बता सकते हो कैट का क्या स्कोर रहा है और कैसे कैसे प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया? ओके, सो एज आई सेड अर्लियर, क्योंकि जो लोग मतलब देख रहे हैं ना, जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग के लिए बहुत ही हेल्प आउट हो जाएगा. ओके, सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था कि मेरे को MBA करना है. तो मैं अपना मतलब जो भी है बैंकिंग का मैं प्रिपरेशन कर रही थी, एंड जब मुझे पता चला मतलब व्हेन आई रियलाइज कि मुझे MBA करना है, एट दैट पॉइंट कि मुझे सबसे पहला द फर्स्ट हर्डल वी हैव टू क्रैक इज द वी हैव टू अपीयर फॉर कैट एंड मैट. एंड उसके लिए जब द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अपीयर फॉर कैट और मैट एनीथिंग यू वॉन्ट, दोनों भी एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, एंड देन वो कैट देने के बाद वी हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, एंड वेन द रिजल्ट विल कम आउट देन अपने कॉलेजेस सर्च करके कौन से स्टेट में कौन से कॉलेज में आपको जाना है, इन दैट वे वी कैन गेट एडमिशन इन यू नो MBA कॉलेजेस. तो आपने IIM में एडमिशन लिया था ना, तो IIM में मतलब कैसा माहौल है कॉलेज का? कॉलेज के बारे में तो बहुत ही सुने हैं कि मतलब कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, क्योंकि हम लोग जैसे क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज में, जैसे मैं भी टेक्नो से पास आउट हूँ, तो कॉलेज में वैसा कुछ ड्रेस नहीं है कंपलसरी, बट IIM में क्या है कि ड्रेस पहन के जाना है. मतलब ये कैसा रूल है आप कॉलेज का, मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता है? हाँ, वियर्ड तो लगता है. यू नो से ऑन दिस और शैल आई कंटिन्यू? ओके, सो हाँ, IIM आई वुड से कि अगर कोई ये सोच के जा रहा है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय होने वाला है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन IIM.
एक टिपिकल स्कूल है, जब मैं भी अपना R&D कर रही थी टू गेट इनटू IIM, और मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स से पूछा था, तो सबने मेरे को बोला था कि बहुत स्ट्रिक्ट है, मत जाना, इट इज लाइक कमेंट वगैरह भी आता है कि हाँ, बहुत ही बहुत स्ट्रिक्ट है, इसके कारण से भैया हमको IIM में मत डालना, मत डालना, ऐसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो बोलते हैं, बट वेरी लेटली इन लाइफ यू रियलाइज कि जो भी स्ट्रिक्टनेस या जो भी कुछ होता है कॉलेजेस और स्कूल में, हम लोग के अच्छे के लिए होता है, एंड हम लोग वो क्या बहुत लेट लाइफ में रियलाइज़ करते हैं। अभी मैं इस पोजीशन पे हूँ, आई रियलाइज़ कि हाँ उस टाइम पे अगर वैसा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाया होता तो स्टूडेंट लोग शायद नहीं पढ़ते, तो वो स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी होता है सम पॉइंट ऑफ टाइम। आप ये बोलना चाहते हो कि कॉलेज का डिसिप्लिन बहुत ही हाई बहुत हाई है, अगर आपको 9 बजे कॉलेज के अंदर घुसना है एंड इफ इट्स 9:10 यू आर नॉट अलाउड, और आप चाहे किसी को भी जानते हो यहाँ के, नॉट अलाउड, क्योंकि वो एक है रूल्स एंड रेगुलेशन, विद इन 9 यू हैव टू एंटर द कॉलेज। अगर लेट हो गया तो, लेट हो गया तो इफ यू हैव सम मेजर इशू देन इट्स ओके, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। लाइक मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो मतलब HOD इसको उसको जानते थे, बट कांट हेल्प, अगर 9:10 हो गया यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द कॉलेज। मतलब कॉलेज में आप डिसिप्लिन बहुत ही मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म, मतलब आई डोंट नो अबाउट BTech एंड ऑल, बट हम लोग के MBA में मैनेजमेंट तो प्रॉपर शूज, प्रॉपर ड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग शुड कोऑर्डिनेट, एंड ऑल्सो अटेंडेंस। ओके सर, द थिंग इज दैट कि मैंने जो रियलाइज किया, एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं ह्यूमन रिसोर्स में काम करती हूँ, सो जब मैं कॉलेज में थी तो वहाँ हमें टाइम से जाना होता था, एंड फिर आप MBA का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब MBA में भी बहुत टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, पहले हमको ये बता दो कि कितने टाइप के डिपार्टमेंट। जैसे अगर हम अपने कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ हमने सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ा था, फाइनेंस था हमारा, ह्यूमन रिसोर्स था, एंड बिजनेस डेवलपमेंट था। मतलब इतने टाइप। हाँ, सो बिजनेस डेवलपमेंट वॉज टोटली अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट तो ये 3-4 कोर्सेज सबको पता ही है कि ये होते हैं। बहुत जगह पे मैंने ये देखा है, MBA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी है, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट थिंग, मतलब अगर उसको करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट उसमें आपको कोर MBA वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। मतलब लाइक अगर आप MBA करके, आपका क्या पॉइंट होता है कि आप एक लाइफ में लाइक आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स एक किसी वैसे पोजीशन पे जाके बैठो जहाँ से यू कैन डायरेक्ट अ टीम ऑफ पीपल, तो फॉर दैट यू विल हैव टू परस्यू लाइक MBA अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर देयर ग्रेजुएशन ओनली, एंड मैंने देखा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लाइक 5 साल से काम कर रहे हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं, बट अभी तक उन्हें एक डिजिग्नेशन नहीं मिला है, like the head of the department and the like who's the like heading will who will be heading the like a company or anything else, like meri company mein abhi jo CEO hain unka main example dena chahungi, his name is Sahil Saharia, and wo jab hamari company mein join kiye the he was working as a sales person, but abhi unko CEO banne ke liye he had to pursue MBA। एंड जैसे मैं अभी ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट में हूँ तो वहाँ पे हमारे पास जब कोई ओपनिंग आती है तो वहाँ पे लिखा होता है कि कैंडिडेट शुड बी लाइक परसुइंग MBA और शुड हैव डन MBA और एनी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन सॉरी डिग्री, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैंने कहीं पे मतलब ये पढ़ा था, ये किसी का मैंने पॉडकास्ट देखा था, मतलब इंडिया में जो MBA का जो मतलब पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ओल्ड मॉडल पे है ऐसा कुछ। और मेरा ये भी क्वेश्चन है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि MBA करने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा रहता है या जॉब करना, तो तुम लोगों का क्या है? सी, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो एक्चुअली लाइफ से चाहते क्या है, कि उनको बिजनेस करना है या फिर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है। तो दोनों ही केसेस में MBA इज वर्थ आई वुड से, क्योंकि किसी को अगर बिजनेस करना है तो ही शुड लर्न ईच एंड एवरी टेक्निक्स विच इज़ वेरी मैंडेटरी नाउ डेज, बिकॉज कोई भी उठ के अभी जाते अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। एंड वेन यू आर डूइंग अ कोर्स स्पेसिफिकली विच मीन्स मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको एक प्रॉपर बिजनेस का एक गाइडलाइन सब कुछ आपको मिलेगा, द कम्युनिकेशन, द स्किल्स, हाउ टू टॉक टू पीपल, इंटरेक्शन, हाउ विल यू इंटरेक्ट विद पीपल, तो ऐसे टाइप की चीज़ें होते हैं। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो उसके लिए तो अलग से सब कुछ पढ़ाया जाता ही है MBA में। तो IIM में आपको मतलब क्या एडवांटेज मिला, मतलब कि बिफोर MBA और अगर आफ्टर MBA करने के बाद क्या लाइफ स्टाइल रहा आपका, पहले आप कैसे थे और अभी आप अपने आप को क्या देख रहे हो?
पहले तो ऑफ कोर्स जब आईएम जब हम लोगों ने चूज़ किया तो हम लोग ऑफ कोर्स मतलब जो होता है ना वेस्ट बंगाल में, हम लोगों ने सर्च किया अपना कि हम लोग को बेस्ट कॉलेज आईएम लगा तो हम लोग घुसे। तो एज अ फाइनेंस स्टूडेंट हम लोगों में क्या होता है, मतलब हम आईएम में क्या होता है कि सेकेंड सेम या थर्ड सेम के बाद ही ना एक आईटीटीसी का कोर्स करवाया जाता है अलग से। आई एम वेरी श्योर कि बाकी दूसरे कॉलेजेस में ये नहीं होता मतलब है। उस कोर्स को अगर डिफाइन कर हाँ सके क्या एग्जैक्टली होता है आई उस कोर्स गेट। में? मैं अभी ईवाई में हूँ एज अ टैक्स एनालिस्ट। ओके, तो दिस जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसी का ही आईएम ने एक अलग से कंडक्ट करवाया था कोर्स आईटीटी से, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो उसमें हमको यूएस टैक्सेशन का एक ओवरव्यू दिया था। वैसे डीप में तो उतना कोई भी नहीं जानता, जब आप प्रैक्टिकली कोई काम करते हो देन ओनली यू लर्न दोज थिंग, बट एक उसका ओवरव्यू मिला था। और हमारे ईवाई मतलब ईवाई जब आया था तो जब उन्होंने इंटरव्यू हम लोगों ने दिया एंड हम लोगों ने बोला नहीं, भी ये यार इंटरव्यू ऑलरेडी जो आप लोगों का हुआ था ये क्या आप लोगों का ऑन कैंपस हुआ ऑन था? कैंपस ऑन कैंपस हुआ था ना? ऑन कैंपस। तो उन लोगों ने जब ये चीज़ देखा दैट वी आर ऑलरेडी यू नो डूइंग अ कोर्स जो उनके काम से रिलेटेड है, तो वो एक प्लस पॉइंट था ही, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी आईटीटीसी कर रहे थे। एडवांटेज मिल एडवांटेज गया। बहुत बड़ा एडवांटेज था। और उन लोगों ने क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन बट उन लोगों ने किया था, फॉर्म नंबर वगैरह यूएस टैक्सेशन का। और ये हम लोग का मतलब हम लोग जब घुसे ना काम में तो हम लोग को लगा ये लो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को हम लोगों ने प्रैक्टिकली। टैक्स इज वेरी डेप्थ, हम लोग ने घुसने में 2 साल लगा, अभी भी हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ आता है। मतलब हमको ये जानना है टैक्स एनालिटिक्स बोल रहे हो, उसमें एनालिस्ट क्या करना रहता है, उसमें काम क्या रहता है? जैसे कि मैं हमारे इंडिया में वी फाइल जीएसटी एंड ऑल, जैसे इंडियन हाँ टैक्सेशन हो गया, तो सेम वे वहां पे क्या होता है यूएस में वी फाइल द रिटर्न किसी भी इंडिविजुअल का। कोई हम जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप 10 लोग मिलकर एक बिजनेस कर रहे हो राइट, एंड वो बिजनेस का हम लोग क्या करते हैं टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न करते हैं आपका क्या प्रॉफिट है, कितना आपको टैक्स पे करना है दिस। तो ईवाई जैसे अपने क्लाइंट लाते हैं उनका काम हम लोग करते हैं। ईवाई तो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत वर्ल्ड वर्ल्ड बिग में तो फोर। सबसे बड़ी बिग फोर कंपनी है। मेरा भी ड्रीम है इसमें, मैं भी सीए का जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा भी ड्रीम है कि इसमें ही आर्टिकलशिप करूँ, इसमें नहीं तो आई पीडब्ल्यूसी रेफर यू। में। और मेरा ये क्वेश्चन है कि आईएम के बारे में, जैसे कि स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ा एक फैक्टर रहता है किसी के भी लाइफ लाइफ में, तो आईएम क्या स्पोर्ट्स के कॉलेज में क्या कैसा रहा था आप लोग का स्पोर्ट्स? वी वेर तो एज गर्ल्स वी वेर नॉट इन टू दैट स्पोर्ट्स एंड ऑल, बट हाँ बास्केटबॉल कोच था, क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह हुआ एवरी सेमेस्टर पोस्ट सेमेस्टर, ये हर कॉलेजेस में होता है। हमारे कॉलेज में भी हर सेमेस्टर के बाद क्रिकेट टूर्नामेंट, बास्केटबॉल, मेनी अदर टीम्स, टीटी एंड ऑल स्पोर्ट्स के लिए दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेर देयर। और ये मेरा मतलब आप दोनों से क्वेश्चन है कि मतलब एमबीए की बहुत सारे मतलब क्या होता है कि एमबीए कोर्स करने के बाद क्या रहता है कि बहुत अनस्किल्ड भी मतलब है कि मतलब 70-60% मैंने देखा था कि मतलब जॉबलेस है एमबीए करने के बाद, ऐसा न्यूज़ आर्टिकल में भी आया था। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये तो मतलब डायरेक्टली ये हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम पे ही सवाल उठना हो गया, ओके सो मैं इस क्योंकि चीज बहुत को सारे कॉलेज में क्या होता है कि सिर्फ एमबीए नाम का आपको डिग्री दे दिया कि जस्ट लाइक आप एमबीए हाँ हो। तो मैं इस चीज को ऐसे कंटिन्यू करूंगी कि फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं ठीक है, कहीं भी 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उन लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100 के 100 सेम होंगे। हम उस ग्रुप में 10 लोग ऐसे, वेरी मैंडेटरी कि 10 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उनको आप अगर एग्जाम देने बिठा दो, एंड जैसे हमारे स्कूल में भी डायलॉग देते थे मैम लोग कि उनको एक क्वेश्चन पेपर दे दो और उनको बुक दे दो एंड बोलो कि आप देख के लिखो, उनके पास इतना भी स्किल्स नहीं होगा कि वो उस बुक से आंसर्स ढूंढ ढूंढ के लिखे। और ये हमारे सोसाइटी में हर जगह है, नॉट ओनली एमबीए, आप बीटेक में भी देख लो, एनीवेयर किसी भी चीज़ में देखो, ग्रेजुएशन में देख लो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं भी जाए कुछ नहीं कर सकते। हमारे कॉलेजेस में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको अगर आप रोक के ये पूछ लो ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स थे, वो नहीं बोल पाते, जिनका इंटरव्यू कल होने वाला है और आज उनको पूछ लो कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो एक जो बच्चे वाला इंट्रोडक्शन होता है ना, हाय माय नेम इज रिंकी झा, मैंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ किया, कॉलेज यहाँ किया, माय हॉबीज आर दिस, माय हॉबीज आर दैट, एक वो डिफरेंस हो गया। और मतलब एक तो इंसान ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे लोग है ना मेनली डिग्री के लिए, मतलब ज्यादा डिग्री के लिए पढ़ाई डिग्री कर के रहे हैं, ये लिए नहीं स्किल बेस्ड मतलब डेवलप नहीं करना चाह रहे। डेवलप नहीं अदर करना कंट्री सब चाह में रहे क्या होता हैं। है प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है इसमें मतलब। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, हाँ लाइक जैसे रिंकी ने स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं कॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। लाइक आजकल ना एजुकेशन को बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना रखा है। एजुकेशन मतलब वहां पे आपको अपना डेडिकेशन दिखाना होगा, इट इज अ काइंड ऑफ बोलते हैं ना मेडिटेशन,
आपको वहाँ पे अपना 100% देना होगा ताकि आप एक अच्छा इंसान बना सको जो कि कल जा करके हमारे कंट्री के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ हो। बट आजकल जैसा मैंने बोला पहले ही कि बिजनेस बना के रखा है तो बहुत सारे लोग बस एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, ना वहाँ पे स्टाफ है, ना टीचर्स की फैसिलिटीज़ है, ना प्लेसमेंट के लिए कॉलेजेस आ रही हैं, ना वो लोग काउंसिलिंग करवा रहे हैं स्टूडेंट्स का। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैंने देखा है बहुत सारे जगहों पर कि लोगों को प्लेसमेंट्स मिलता ही नहीं है। लाइक देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, जैसे मैं अगर आईएम की बात करूँ तो वहाँ पे आप सबको पता होगा कि एडमिशन लेना उतना आसान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेस्ट बंगाल जेई देना होगा एंड उसके बाद वहाँ पे एक सर्टेन कट ऑफ है आपके हर एक एग्जाम्स के लिए, लाइक फॉर योर 10th 12th एंड योर ग्रेजुएशन। वो कट ऑफ होने के बाद आपको वेस्ट बंगाल जेई देना होगा एंड उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलता है। बट बहुत सारी कॉलेजेस कोलकाता में भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं, जो कि ऐसी एडमिशन्स ले रही है बच्चों का। तो मतलब वहाँ पे आप क्यों ले रही है बच्चों का एडमिशन? जस्ट फॉर मनी। हाँ, जस्ट फॉर मनी। अगर आपको कॉलेज अगर कॉल करके खुद बुला रहा है तो ये मजाक ही है ना। हाँ, ऑब्वियसली। एंड कॉलेज भी खुद बुला रहा है तो जैसा रिंकी ने बोला ऑलरेडी कि ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप प्रॉपर रिसर्च करो कि आप कहाँ एडमिशन ले रहे हो। ये जैसे सपोज दैट कोई न्यू स्टूडेंट है जिसको MBA करना है, एक राइट डायरेक्शन क्या रहेगा आप दोनों के अकॉर्डिंग? मतलब एक होता है ना कि मतलब कैसे कैसे कैसे, अगर मान लें कैट करते हैं, कैट में अगर अच्छा स्कोर नहीं आता तो क्या करें? सेकंड आपके पास दूसरा ऑप्शन भी, आप कैट करो, आप मैट करो, आप जैट करो, XATZAT, उसमें आपको जेवियर्स ग्रुप की कॉलेजेस मिलती हैं। एंड उसके बाद जैसे मैंने बोला IIM के लिए आपको वेस्ट बंगाल जेई देना होगा, उसके अलावा आप BHU वगैरह में ट्राई कर सकते हो, उन लोग का अपना अलग एग्जाम होता है। आप जामिया ट्राई कर सकते हो, उनका अपना अलग एग्जाम्स होता है। तो बहुत सारी जगह है, बेसिकली आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और अभी के टाइम में मतलब MBA करना, मतलब अगर सपोज दैट कोई बिजनेस करना चाहता है उसके लिए क्या MBA करना इम्पॉर्टेंट है, वर्थ इट है? अकॉर्डिंग टू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस मैन आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। तो MBA करना इज ऑब्वियसली नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको एक लाइफ स्किल सीखना है कि आप एक अच्छा प्रेजेंटेबल ह्यूमन बींग कैसे बन पाओ, तो ऑब्वियसली MBA इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम्हारा क्या कॉल है? सेम योर आई गेस, कि आपको पहले तो जिनको भी बिजनेस करना रहता है वो एक होता है ना कि कैसे आप MBA में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जैक्टली। तो जैसे आप बिजनेस में ऑफकोर्स यू विल डील विथ योर कस्टमर्स, तो जब आपके कस्टमर्स आते हैं तो हाउ यू मतलब उनको कैसे ट्रीट करना है, टू ग्रीट देम, एक होता है ना पेशेंस, कैसे उनको मेंटेन, अगर वो लोग पैनिक हो रहे हैं किसी भी चीज़ से, गुस्सा आ रहा है आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से, तो उनको डील कैसे करना है। सो फॉर दिस थिंग, तो एक हायर एजुकेशन लेना इज मतलब वेरी गुड। देर इज वन मोर थिंग दैट वहाँ पे एक टर्म है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लोग बस बिजनेस पे फोकस करते हैं, वहाँ बिजनेस देखते हैं, मतलब आपको बिजनेस करना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस करना है। जैसे आपने मेरे से थोड़ी देर पहले पूछा ना कि आप लोग कौन कौन सी कोर्सेज करवाते हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे। जब आप एक बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो ना, तो मैंने जो जो स्पेशलाइजेशन आपको बोला, आपको वो सब लगेगा, और वो सब आपको सिर्फ MBA में मिलेगा। ये बात आपको CA के लिए बस CA मिलेंगे। अगर आप लाइक कुछ और कोर्सेज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बस वही स्पेशलाइजेशन के बच्चे मिलेंगे। बट अगर आपको एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो आप एक अच्छी MBA कॉलेज में जाओ, आपको हर एक ग्रुप के लोग मिल जाएंगे। आपको फाइनेंस के लिए मिल जाएंगे, आपको HR के लिए मिल जाएंगे, आपको मार्केटिंग के लिए मिल जाएंगे, एंड आपको जैसे आजकल लाइक एनालिटिक्स वाली चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स की चीज़ें हैं, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएंगी। इसीलिए भी वहाँ पे एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है वो इसीलिए है, क्योंकि मतलब वहाँ पे आपको हर एक ब्लेंड मिल जाता है। एक अच्छे, वो बोलते हैं ना, एक अच्छा खाना बनाने के लिए आपको सारे मसाले का होना जरूरी है, लाइकवाइज एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। आप दोनों के अकॉर्डिंग मतलब MBA के लिए, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहा हूँ, कि कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है मतलब इंडिया में, और इंडिया में, और ये बोल रहे हैं कि नहीं तो ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो सेकंड ये कि फॉरेन से क्या MBA जैसे करना मतलब क्या सही रहता है? राइट। हाँ, तो फॉरेन से अगर आप MBA करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, लाइक देर आर सो मेनी कोर्सेज जिसके लिए आपको IELTS देना होता है। अगर फॉरेन में भी वो सिस्टम है, आप वहाँ पे जाओ आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बस एक मिथ है कि फॉरेन के, अगर फॉरेन का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो फॉरेन की हर एक कंपनी का CEO और बड़ी जगहों पे इंडियन नहीं होते। हाँ, पर ये बात भी है कि आप बोल रहे हो ना कि फॉरेन कंट्री का CEO नहीं होता, पर
वो लोग का मतलब मेरा ऐसा पॉइंट है कि वो लोगों का क्या है कि अपना मतलब कंपनी क्रिएट करके वो लोग मतलब एक बोलते हो ना उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी रीजन है, मैं बता रही हूँ। बात ये है ना कि वहाँ पे आप देखना मैक्सिमम लोग जब 18 और 19 प्लस हो जाते हैं, जो भी उन लोग का एक क्राइटेरिया है एक एडल्टहुड का, वहाँ के बाद उनके पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं, आपको जो करना है करो। हमारे इंडिया में क्या है कि मतलब आप पर हो, आपके गार्जियन आपको सपोर्ट करेंगे। लाइक मैंने MBA किया, रिंकी ने MBA किया, हमें हमारे गार्जियन ने सपोर्ट किया, वी हैव डन नथिंग फॉर अस। और अभी भले हम लोगों ने कोई किसी ने लोन ले लिया, किसी को घर से मिल गया, बट हमारे गार्जियन ने यहाँ पे सपोर्ट किया। अगर सेम इंसान, अगर मैं या रिंकी या कोई भी, अगर आप ही अभी अगर फॉरेन में होते तो आपको डेली लाइवहुड के लिए भी आपको खुद के लिए कुछ करना पड़ता। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि इंसान खुद से कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालता है। और अभी इंडिया में भी बहुत सारे बिजनेसमैन हो रहे हैं, आप देखो कोई भी इंसान, जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा MBA चाय वाला, तो मतलब दीज आर द एग्जाम्पल्स कि अभी इंडिया में भी हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि व्हाट इज बिजनेस, कैसे करें नहीं करें, तो यही है बेसिक चीज। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मतलब एज ए गर्ल्स, जैसे कि लड़की लोगों को क्या होता है कि पढ़ाया मतलब नहीं जाता है फर्दर स्टडी के लिए, मतलब अभी भी इंडिया में कहीं कहीं पे रूरल एरिया में मतलब एक होता है बहुत सारा स्ट्रेस होता है आप लोगों का, फैमिली का, ये वो, तो मतलब वो लोग अगर पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या बोलोगे आप? पेरेंट्स क्या देख रहे हैं मतलब अगर अच्छा मतलब जो पेरेंट्स हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसके लिए आई थिंक मैं बेस्ट इंसान हूँ आंसर करने के लिए, बिकॉज मे बी मैंने आपको बताया नहीं, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बिहार, दैट्स पूर्णिया महिला कॉलेज, एंड उसके पहले भी मेरा जो एजुकेशन है टिल ग्रेजुएशन मैंने बिहार से ही किया। मैंने बस MBA कंप्लीट किया है फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम IIM, हाँ, फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो जैसे तो कैसा आपका जर्नी कैसा रहा, आई मतलब कोलकाता, पहले बिहार, फिर उसके बाद फिर कोलकाता, फिर उसके बाद फिर आप? पहली बात तो बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेलिटी से हो। अगर आप कोलकाता में ही गांव के एरिया में जाओ, आपको स्वयं बिहार वाले लोग मिल जाएंगे, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई नहीं मिलता एंड ऑल। बाकी जो गार्जियन मुझे देख रहे हैं जिनकी स्पेशली लड़कियां हैं, मैं उनसे स्पेशली ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मतलब मैं भी नहीं चाहती या कोई भी नहीं चाहता, कल को अगर कुछ ठीक है, आपने बहुत पैसा दिया, आपने उनकी शादी करवा दी है गवर्नमेंट जॉब के लड़के से या किसी अच्छे MBA लड़के से, बाय द वे, तो आपने बहुत दहेज दिया, मैं खुद नहीं चाहती या कोई नहीं चाहता, बट कल अगर उस लड़के के साथ कुछ हो जाता आपकी बेटी कैसे सर्वाइव करेगी? इवन आई हैव सीन सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें कि लड़कियों को घर से भगा दिया जाता है लिटरली, कि मतलब तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ ऐसा हो गया। चलो ठीक है, दैट इज अनदर केस। एक और केस आता है, लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती है। इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लड़कों से ज्यादा इंडिपेंडेंसी लड़कियों को चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर लड़की पढ़ेगी तो उसके साथ साथ आगे वाले, आज सब लोग बोलते हैं ना तुम रात में जाते हो तो तुम्हें रोड पे छेड़ा जाता है, तो तुम रात में मत निकलो। रात में कौन छेड़ रहा है आप उसको सही करो ना। मतलब घर में चोरी हो रही है तो आप घर में दो ताले लगा लो, बट चोर को मत पकड़ो। हाँ, तो यही हमारे इंडिया का कॉन्सेप्ट, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट। तो मैं गार्जियन से बेसिकली यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लड़की है तो उसे जरूर पढ़ाओ, बेटा सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों से शायद नहीं डील करना पड़े, बट लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है। मम्मी पापा, मम्मी तो समझेंगी, पापा का आई डोंट नो, बट मम्मी पक्का समझेंगी। मतलब एजुकेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कहीं से भी हो, कहीं पे भी रहो, ग्रो कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन आ चुका है, तो कहीं से भी। और अरे, मेरी एक फ्रेंड का एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगी। मैं जब, मैंने बोला ना बिहार से मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, वहाँ पे मैंने BBA किया है, एंड वहाँ पे मेरी क्लासमेट थी, हर नेम वाज मोस्ट प्रोबेबली सपना। तो शी वॉज वेरी टैलेंटेड गर्ल, वेरी एजुकेटेड गर्ल, शी हैड कम्प्लीटेड हर लाइक टिल 12th फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल एंड वेरी गुड इन इंग्लिश। बेसिकली हम लोग सब यही बोलते हैं, इंग्लिश बोलना नहीं आता तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लैंग्वेज क्या मैटर करते हैं? अगर बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने शार्क टैंक पे एक गेस्ट था जो कि बिहार से, किशनगंज से, इन शॉर्ट्स के CEO है, क्या नाम है मिस कर रहा हूँ, मतलब वो एक फॉरेन में गए थे, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था, उनको अभी भी इंग्लिश अच्छा से बोलने के लिए नहीं आता। नहीं देखो, हर जगह पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैंने बोला ना, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ आपको इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, बट अगर आप उसी बिजनेस में जॉब लेना चाहते हो ना, इट्स नॉट अबाउट, मतलब ये आपकी स्किल को नहीं बताता, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको क्या होता है ना, अगर आपको एक लैंग्वेज नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ,
मुझे बस हिंदी आती है, इंग्लिश आती है. अगर मुझे बंगाली नहीं आती है तो मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी. मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कुछ चाहिए, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी. मैं ना समझा पाऊंगी ना उनको समझ पाऊंगी. तो इट्स नॉट अबाउट कि मतलब इंग्लिश से आपका मतलब टैलेंट पता चलता है, बट हाँ डेफिनेटली आपको जितना ज़्यादा लैंग्वेज आएगा, फ्रेंच सीखो, कुछ भी सीखो, आप उतना ज़्यादा लोगों के साथ डील कर पाओगे. और एक अच्छा इंसान वही होता है जो जितने ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, एक रिलेशन बैठा पाता है, बस वही वाली बात है. आप लोगों के कॉलेज में क्या है, मतलब फ्रेंच वगैरह ये सब लैंग्वेज भी पढ़ा जाता है? फ्रेंच वॉज देयर इन द फर्स्ट, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को फ्रेंच सिखाया जा रहा था, फ्रेंच एंड स्पेनिश. तो इफ यू वांट यू कैन एनरोल फॉर दोस. हाँ फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग जस्ट फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं ना तो कोई सीरियसली लेता नहीं है उन सब चीज़ों को. फर्स्ट ईयर ऐसा लगता है फर्स्ट सेमेस्टर मस्ती में बीत जाएगा, बट हाँ कॉलेजेस तो प्रोवाइड करवाते हैं, वो स्टूडेंट्स पे है कि वो. कॉलेज में टीचर वगैरह भी स्ट्रिक्ट रहते हैं क्या? स्ट्रिक्ट रहते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट, बट एट द सेम टाइम वेरी सपोर्टिव. कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि सच में पढ़ रहा है और टीचर उसको देख रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, एट दैट टाइम वो टीचर आपको 110 मतलब पूरा अपना सपोर्ट देंगे, पूरा 100% सपोर्ट आपको मिलेगा वहाँ के टीचर्स. और कोचिंग वगैरह, जैसे कि इंडिया में इतना हाइप बना हुआ है कोचिंग, मतलब जैसे आप लोगों ने बोला कैट वैट के लिए कौन सा कोचिंग करना सही रहेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है. जैसे आप कोई अलग एरिया में रह रहा है वहाँ पे इतना फैसिलिटी नहीं है पढ़ाई वढ़ाई का, तो वो लोग यूट्यूब एग्जैक्टली एंड ऑल्सो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे मतलब मिल रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, टाइम्स हो गया, महिंद्रा आई डोंट नो डज इट प्रोवाइड टाइम्स, में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको कैट मैट के लिए प्रिपेयर करते हैं. सबका वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस सबके लिए मिल जाएंगे, आप सब कुछ इनरोल कर सकते हो. कोई भी आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, कुछ भी करनी है, You will get each and everything. और मेरा अब ज़्यादा मैं टाइम नहीं खींचूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है. तो अभी मेरा है मतलब एक दो तीन, मतलब जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया और ऑर्गेनिक की पॉडकास्ट मैंने कर रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, एकदम जो मतलब हो सकता है नेचुरली मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था. आप लोगों को भी अगर कुछ कोई चीज़ अगर ऐड करना हो कुछ भी, तो ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड करना हो. मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ ये कि जैसे कि हम लोग कोई भी मतलब जैसे बीटेक या एमबीए कुछ भी करते हैं, तो हम लोग का जो फाइनल स्टेज होता है वो आपका इंटरव्यू होता है. बट बिफोर दैट, वो इंटरव्यू सीट पे बैठने के लिए आपको एप्टीट्यूड क्लियर करना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आपका रहता है. सपोज आप एक इंसान हो जिसके पास सारे स्किल्स है, सारे नॉलेज है, बट अगर आप वो एप्टीट्यूड क्लियर ही नहीं करोगे, आप वो टेबल पे पहुंच ही नहीं पाओगे टू प्रूव योरसेल्फ. तो एमबीए एस्पिरेंट्स को मतलब सबसे पहला फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको एक एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जो जो भी कंपनी आती है वो सबसे पहले एप्टीट्यूड राउंड लेती है, वहाँ से ही स्टूडेंट्स राउंड में क्या होते हैं. तीन सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स. GKGS नॉट फॉर एवरी कंपनी, EY वॉज नॉट देयर, EY में नहीं था, GKGS वॉज नॉट देयर इन EY, बहुत सारी कंपनी GKGS. इंटरव्यू के लिए आप लोग क्या क्या प्रिपेयर किए थे, कैसे कैसे इंटरव्यू मतलब राउंड जो होता है, जैसे कोई भी अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो फर्स्ट थिंग जैसे क्या होता है, नर्वस मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान नर्वस तब होता है, नॉर्मल नर्वस होना वेरी ऑब्वियस. शायद इस पॉडकास्ट के पहले हम तीनों भी थोड़ा बहुत नर्वस होंगे कि करना है, काइंड ऑफ कोई भी चीज के लिए थोड़ा बहुत नर्वस होता है. कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछे या कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछे एंड यू आर टोटली ब्लैंक अबाउट दैट टॉपिक, आपको कुछ भी नहीं आता, तो उस टाइम पे नर्वसनेस तो मतलब मैंडेटरी है ही. बट अगर वो टॉपिक के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता है, आप उसको मॉडिफाई करके बोल सकते हो इंटरव्यूअर को, तो शायद नर्वसनेस थोड़ा कम होता है. हाँ ये बात भी है. और मतलब इंटरव्यू में कैसा कैसा टाइप का, मतलब कि आप थोड़ा बेसिक बता दो ना कि मतलब क्या चीज करेंगे जो मतलब बेस्ट इंटरव्यू देने के लिए, कुछ भी ऐसा टिप्स वगैरह. एग्जैक्टली, तो पहला राउंड तो एप्टीट्यूड राउंड होता है, कोई भी MNC आए, कोई भी कंपनी आए, तो फर्स्ट राउंड इज एप्टीट्यूड, जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग एज आई सेड, मैथ्स एंड GKGS सम कंपनीज लेते हैं, सम कंपनीज नहीं. उसके बाद आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है एकदम फ्रंट टू फ्रंट इंटरव्यूअर के पास, उसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें क्या इंटरव्यू क्या ऑनलाइन होते हैं क्या? मेरा जो टाइम था पूरा कोविड का टाइम था, तो मेरा सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन हुआ था. हम लोग का तीन प्रोसेस हुआ था, एप्टीट्यूड, पोस्ट दैट एक रिकॉर्डिंग सेशन हुआ था जो शायद EY ही कंडक्ट करवाते, दूसरी कंपनी का आई एम नॉट श्योर, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपको रिकॉर्डेड सेशन था, मतलब ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन आएगा और उसके बाद आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन एंड पोस्ट दैट यू विल स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग, और आपका वो मतलब जो आंसर है वो रिकॉर्ड होगा.
तो मे बी मेरे हिसाब से ये इसलिए किया जाता है टू सी द कम्युनिकेशन, और आप कितने जल्दी 2 मिनट पे आप एक टॉपिक के बारे में कितने सारे पॉइंट्स ला सकते हो, यू नो, किस माइंड गेम देखने के लिए. एंड पोस्ट दैट हम लोग का टेक्निकल राउंड हुआ था जिसमें हम लोग को यूएस टैक्स, टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन, फाइनेंस, बेसिक, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह. तो ऐसा टाइप का प्रोसेस होता है. अब मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि एमबीए करने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया, क्योंकि आप जहाँ से आते हो, जैसे बिहार से आप आ रहे हो, तो क्योंकि वहाँ के बारे में आपको तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, मैं भी वहाँ से ही हूँ, तो मतलब कि क्या अभी जैसे आपके फैमिली में मतलब कैसा लगता है सबको कि आप MBA कर लियो, अभी इतने अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हो? अगर फैमिली के बारे में बोलूँ तो डेफिनेटली उनको भी अच्छा लगता है कि मैंने जो भी किया है अपने दम पे किया है, क्योंकि कोई था भी नहीं घर में फॉर द गाइडेंस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सबसे मेनली इम्पॉर्टेंट बात यही हो जाता है कि गाइडेंस का, क्योंकि देखिए पता है मतलब सब कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, मतलब गाइड करने वाला कोई अगर मिल जाए तो हो जाए. क्योंकि मैं भी अभी तक कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैं पहले आपको जैसे बताया कि मैं मेरे कॉलेज से ही प्लेसमेंट लगा था CA फर्म के लिए, मुझे पहले CA का कुछ आइडिया ही नहीं था. उस फर्म में देखा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे CA भी होता है, तो चलो हम भी ये करते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर फैमिली में कोई किया ही नहीं है आज तक. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. मेरे यहाँ एक्चुअली बाकी दूसरे कोर्सेज के लिए तो बहुत लोग हैं, लाइक जैसे आपने बोला CA, उसके लिए भी गाइडेंस मिल जाता, बट MBA के लिए वैसा कुछ गाइडेंस मुझे सच में नहीं मिला. और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हम लोगों के स्टेट में जैसा कि पता है बिहार इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट जॉब. मेरा क्या हुआ था, मैं जब अपना बैचलर्स कर रही थी तो मैंने जैसे बोले BBA है, दैट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो वहाँ पे मुझे मेरे टीचर्स थे जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उनके साथ रह के, उनसे मिल के, उनके साथ बात करके, एंड मेरा कोर्स करते टाइम भी आई गॉट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स, लाइक व्हाट इज़ MBA एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू BBA एंड व्हाई शुड आई परस्यू इट. तो ये सारा चीज़ मुझे वहीं से पता चला. एंड वहाँ से पता चलने के बाद आई वॉज ट्रैप्ड इन अ काइंड ऑफ कोविड सेशन, मतलब सब लोग ही उसमें फंसे थे. तो उस टाइम पे मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट और मैट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब हो गई ना, उसके बाद कोविड आ गया. देन आई गॉट टू नो अबाउट IEM. तो फिर मैंने प्लान किया कि ठीक है यहीं पे एडमिशन लेते हैं. मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, लाइक ऑनलाइन जो भी कर सकती थी ड्यूरिंग कोविड. तो मुझे पता चला है कि इट्स अ वेरी गुड कॉलेज टू गेट एडमिशन. तो मैंने बस वहीं से प्रोसेस किया. क्या चीज़ था जो मतलब आपको मोटिवेट कर रहा था, कोई तो होगा इंस्पायर्ड कर रहा हो घर से? हाँ, डेफिनेटली. मेरे को यहाँ किसको देना चाहोगे? नॉट शिवम, बट हाँ, नॉट 100%, बट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को उसी ने बताया कि मतलब यू कैन गेट, हाँ ऑब्वियसली यू कैन गेट एडमिशन इन टू दिस कॉलेज. एंड फिर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा लगा. एंड देन आफ्टर आपने जो बोला वो ड्रेस वाली बात, वो भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस में ड्रेसेस वगैरह नहीं देते, और कहीं ना कहीं हमें सिखाता है एक नॉर्मल डिसिप्लिन अबाउट आवर लाइफ, कि आपको अगर ऑफिस का टाइम आपका 9 बजे है तो एवरी डे यू कैन नॉट गो आफ्टर 9. ये बेसिकली आपका, आप बोलते हो ना परफॉर्मेंस के टाइम पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे हमें चाहिए हाइक चाहिए, कहाँ से मिलेगा एवरी, डेफिनेटली. तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे कॉलेज ने बताई कि आपको कैसे प्रेजेंटेबल दिखना है, आपको आप कैसे मतलब लोगों के सामने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, विद इन द टाइम कैसे आप पहुंच सकते हो. हमारा एक चीज़ हुआ था हमारे कॉलेज में, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इन विच वी वेंट टू सिंगापुर, एंड ये भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन था हमारे लिए. मतलब आप लोग सिंगापुर रिटर्न हो क्या? हाँ, आप दोनों ही? हाँ. तो जब हम लोग सिंगापुर गए थे तो बोलते हैं ना लाइफ में हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो सिंगापुर से हमने सीखा था. वहाँ जब हमारा सेशन होना होता था, लाइक हर रोज़ हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता था अराउंड 8 or 9 और वो एंड होता था शाम को 6-7 बजे. तो जो हमें ट्रेनिंग देने आते थे, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम सिंगापुर ओनली, तो उन लोगों का अगर 9 बजे का टाइम है तो दे यूज्ड टू. जो आप लोगों को, मेरा एक पॉइंट पे मैं रोकूंगा, कॉलेज से जो आप लोगों को सिंगापुर लेके गया था, मतलब ये क्या पेड था या कॉलेज की तरफ से, मैं ये जानना चाहता हूँ. इट वाज इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम. फूड एंड पर्सनल एक्सपेंस ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट. एक्सपोजर आप लोगों को ग्लोबली एक्सपोजर मिल गया ना. डेफिनेटली डेफिनेटली. और जैसे कि आप लोग मतलब इस स्टेज पे हो, आप MBA हो गया, आप जॉब भी कर रहे हो, मतलब कि जैसे आप लोग कोई भी चीज़ का कंपटीशन सबका प्रिपरेशन कर रहे थे, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे? जैसे अभी क्या होता है कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो फ़ोन वगैरह चलाना,
मतलब पूरा किया था लिटरली, हाँ मतलब ट्रस्ट मी आई रिमेम्बर जब ईवाई का मेल आया था हमारे कॉलेज प्लेसमेंट ड्राइव से, शी वॉज देयर विद मी, तो हम लोग साथ में थे और मैं मेल चेक कर रही थी कि 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को उसका एप्टीट्यूड होने वाला था, एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सुबह कब होगा ये जाएगी, मैं पढ़ने बैठूंगी, मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था। और क्योंकि मतलब बिगिनर एकदम स्टार्टिंग से आई वाज अ फाइनेंस स्टूडेंट और ईवाई आ रहा है, मतलब इतना बड़ा कंपनी आ रहा है, मतलब और फर्स्ट रिएक्शन क्या था इट जैसे वाज हो ऑल, अब मैंने सोचा भी नहीं था कि ईवाई में कभी होगा ऑनेस्टली। बहुत सारे मैंने सोचा था फाइनेंस का कोई बैंक वगैरह भी आएगा तो आई विल गेट इनटू इट एंड स्टार्ट माय करियर, बट जिस दिन मेल आया देन अर्नेस्ट एंड यंग इज कमिंग, द वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपने फोन से मिंत्रा तक अनइंस्टॉल कर दिया था लिटरली, ट्रस्ट मी, नॉट फॉर मेनी डेज बट 1 मंथ, क्योंकि मेरे को वो करना था, मेरे को मतलब ऐसा था कि वो लिस्ट में मुझे अपना नाम चाहिए था, और मैंने सोशल मतलब फेसबुक वगैरह तो 1 मंथ के लिए टोटली अनइंस्टॉल, और मैं अपना पूरा फोकस अपने एप्टीट्यूड अपना मतलब जो मतलब एचआर राउंड में होता है वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर लगा दिए कि मतलब कैसे प्रिपेयर करना है। आप अगर ये बता सको जैसे कि आप इतना यूआई के बारे में बोल रहे हो, तो पैकेज आपका क्या लगा था, अगर कुछ एवरेज भी ऐसे भी बता दो दो कोई भी। एवरेज पैकेज 6 से 10 लाख के लिए वो लोग आए थे मतलब हमारे कॉलेज में, बट वो बस स्टार्टिंग फेज है, जस्ट द एंट्रेंस, आप जाओ 2 साल वहाँ पे सर्वाइव करो, आपको खुद पता नहीं मतलब किसी को वो कहाँ मतलब किस रेंज पे आपको लेके जाएगा ना, आपको कोई आइडिया नहीं है। अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मैं अपने कंपनी में रहूँ तब भी इवन इफ आई स्विच करने से तो फिर अलग ही जोन में मैं चली जाऊँगी, मतलब 15 से 20 लाख के पैकेज में, मतलब जस्ट 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड जस्ट अ बूम इन योर करियर यू नो। आपको क्या चीज़ इंस्पायर करता था मतलब पढ़ाई के लिए यहाँ तक MBA कर, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना कि इंडिया में ही मतलब आते आते ना क्विट कर देते हैं, ग्रेजुएट इंटरेस्ट नहीं हुआ होता है इंटरेस्ट नहीं बेसिकली। होता है, और मेनली क्विट करना मतलब मैक्सिमम लोगों को देखें, अगर आपके क्लास में अगर 10th में से अगर आप देखोगे ना, बहुत लोग अभी ड्रॉ डाउन हो गए होंगे, इसके पीछे भी रीजन है गार्जियन ऑब्वियसली, गार्जियन भी बोल सकते हो, और यहाँ का एक चीज़ आप लोग इन्वायरमेंट भी तो बोल सकते हो ना, इन्वायरमेंट क्या मैटर करता है, सराउंडिंग, आप लोग of किसके course. साथ रह रहे हाँ, हो, हाँ, हाँ, obviously, मैटर करता है, obviously. But to some people, शायद वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे ग्रुप में ही शायद 10 लोग अगर थे, अगर 8 लोग पढ़ते थे तो वो 2 लोग ढीठ होते थे, वो नहीं पढ़ते थे, तो उनको आप कितना भी इन्वायरमेंट दिखा दो कि देखो 10 लोग पढ़ रहे हैं, तो 1 लोग उसमें होता ही है जो कुछ भी कर लो वो नहीं पढ़ेगा, मतलब नॉट ऑलवेज ट्रू आई थिंक, क्योंकि जो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है, उनको मेहनत भी नहीं करना होता है, मतलब कहीं भी वो लोग जाएं वो लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज में मैंने एग्जाम्पल बताया कि बहुत लोग आप देखोगे ना वैसा इन्वायरमेंट है IIM में, बाकी कॉलेजेस में भी होंगे आई एम श्योर, कि आप देख रहे हो कि लोग पढ़ रहे हैं, देर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट की यहाँ लेना है, देर टॉकिंग अबाउट की एप्टीट्यूड एग्जाम है कल, ये कंपनी आ रही है वो कंपनी है, उस चीज़ को देख के शायद कोई और मोटिवेट भी हो जाता है कि मतलब सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूँ, वैसा टाइप का एक इन्वायरमेंट कॉलेजेस में मोस्टली कॉलेजेस में होता ही है, विच वॉज देयर इन आर कॉलेज ऑल्सो आई गेस। हाँ, और मेरा एक ये भी क्वेश्चन है कि पॉजिटिव रहने के लिए क्या करते हो, मतलब पॉजिटिव रहने के लिए होता होगा ना पढ़ाई अब करने, मतलब एक होता है ना कि इसकी इसके पीछे मेरा आपसे क्वेश्चन है, पॉजिटिव हाँ। रहने के लिए किस चीज के लिए, मतलब लाइक मुझे पढ़ना पसंद हाँ। है, आप बोलोगे खाना बनाने में पॉजिटिव कैसे रहना है, तो ऑब्वियसली मैं वहां नहीं रह पाऊंगी, पॉजिटिव रहने के लिए मेरा लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए ऑब्वियसली जैसा एक चीज आपने पहले बोला कि यू डिसाइड योर ग्रुप ऑफ पीपल, यू डिसाइड योर सराउंडिंग, आपको किसके साथ रहना पसंद है, अगर मुझे पसंद होगा किसी वैसे लोगों के साथ जिनको घूमना पसंद है, मैं ऑब्वियसली उनके साथ घूमूंगी, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, मुझे पढ़ने वाले लोगों के साथ रहना पसंद है तो मैं उनके साथ रहूंगी, तो वो बोलते हैं ना कि आप अपना सराउंडिंग और अपना सब कुछ आप खुद ही डिसाइड करते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटीज कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और हमेशा अपनी लाइफ में एक लिस्ट बना के रखो कि आपके लिए कौन से स्टेज में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, घूमना इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आप उन सब का लिस्ट बना के रखो, क्योंकि प्रायोरिटीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लाइक अर्लियर व्हेन वी वर इन MBA तो हमारे लिए प्रायोरिटीज़ था टू गेट अ प्लेसमेंट, एंड आफ्टर MBA मैं ऐसा बोलूँगी अभी हमारी 2 ही प्रायोरिटीज़ है, टू गेट अ गुड हाइक फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड वन इज़ टू ट्रेवल द वर्ल्ड। और ये मेरा कि जैसे कि आप लोग इंटर्नशिप वगैरह भी किए होंगे, मतलब इंटर्नशिप कहाँ पे आप लोग किए थे, इंटर्नशिप का कुछ एक्सपीरियंस बता दो, क्या हेल्प करता है इंटर्नशिप। हम लोग के जो MBA में 2 इंटर्नशिप होता है जनरली, एक विंटर इंटर्नशिप एंड समर इंटर्नशिप। विंटर इंटर्नशिप सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, जिनको मिला दे कैन डू, जिनको नहीं मिला दे कैन स्किप, बट समर इंटर्नशिप मैंडेटरी होता है।
तो जैसे मैं फाइनेंस में इंटर्नशिप इज बेसिकली, मैं जैसा कि आपने बोला इट्स अ स्टार्ट ऑफ करियर, एंड मैं इसको अपने तरीके से बोलना चाहूँगी. लाइक हमारे टाइम पे एक कंपनी आई थी, एंड जैसा मैंने बोला हम लोग कोविड में थे, तो देर वॉज अ कंपनी कॉल्ड आउटलुक ग्रुप. ये मैगजीन की एक कंपनी है अगर आप लोगों को पता होगा तो वो जब आई थी तो उनके पास बहुत सारा वेरियंट्स था, लाइक फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर. तो आई वॉज इन टू एचआर. तो मुझे वहाँ पे क्या करना था ना कि मतलब ऑन द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स यू विल हैव टू डू रिक्रूटमेंट. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में लाइफ में कुछ आगे ज़्यादा जाना चाहते हो एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टू दिस फील्ड, तो आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना पड़ता है. तो वहाँ पे उन्होंने हमें वो ऑप्शन दिया था, एंड वी यूज टू रिक्रूट पीपल फॉर आउटलुक ग्रुप. हमें लीड मिला था एंड वहाँ से वी यूज टू टॉक टू पीपल, वी यूज टू टेक द इंटरव्यू ऑफ दोज कैंडिडेट्स, एंड देन आफ्टर वी यूज टू शॉर्ट लिस्टिंग दोज कैंडिडेट्स. सो दीज वर द बेसिक स्टेप्स विच वॉज गिवन टू अस बाय आउटलुक ग्रुप. आप दोनों से मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब बोथ आर एमबीए स्टूडेंट, मतलब और थैंक यू सो मच. मतलब अच्छा लग रहा है कि मुझे भी बहुत कुछ आप दोनों से सीखने के लिए मिल रहा है. मेरा भी अलग अलग फील्ड का मुझे भी एक्सपोजर मिल जा रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू. मतलब अच्छा, मतलब लाइफ में मेरा भी अभी मैंने बहुत सारे, जैसे कि अभी 32 लाख का पैकेज लगा था एक EILM के एक स्टूडेंट थे, उसके साथ भी मेरा पॉडकास्ट हुआ था. तो MBA. हाँ, MBA का ही डेटा एनालिटिक्स में था स्पेशलाइजेशन, उसका ब्रांच था. तो और मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप कुछ भी जैसे अगर ऐड ऑन करना चाहोगे इंटर्नशिप, जैसे कि आपने बोला आउटलुक कोई मैगजीन, जैसे आप भी कहते, आपका भी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज था, ठीक है ना, उस पर तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? मेरे को जो इंटर्नशिप मिला था दैट वाज सेल्स एंड ऑल, क्योंकि हम लोग के आईएम में जो मेजर आपको दो रखना पड़ेगा, मार्केटिंग वाज फर्स्ट ऑफ दैट जो आपको रखना ही पड़ेगा, एंड द फाइनेंस वाज देयर. तो मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग में हुआ था इंटर्नशिप, एंड फॉर दैट वी हैव टू सेल दोज मैगजीन्स, एंड हम लोग को उसमें पैसे भी मिलते थे. एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन कुछ 900 का होता था. तो वो क्या आपको कॉल करके पिच वगैरह? यस, प्रॉपर सेल. मतलब इसमें मतलब सेल्स इंडिया में अगर मतलब सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बेचना मतलब डिफिकल्ट भी है. एक और मिथ है, वी यूज्ड टू गो टू मॉल्स. हम लोग मॉल में जाके लोगों को पूछते थे कि हम लोग मतलब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं आउटलुक कंपनी से, वी वांट टू सेल दिस, और सब मना करते थे. वेरी वेरी बहुत नेगेटिव. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग में स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल को मतलब वो होना चाहिए. हम लोग हर मॉल में जाके बैठे रहते थे, वी यूज्ड टू आस्क पीपल कि हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, वी सेलिंग दिस मैगजीन्स. तो बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने लिया, ऐसे अननोन तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो लिए, बट खुद के फ्रेंड्स को ही हम लोगों ने बेच के 25,000 का कुछ कंप्लीट करना था तभी सर्टिफिकेट मिलता, एंड वी कंप्लीटेड दैट. आप लोगों ने कितना मैगजीन सेल किया था? वर्थ 25,000 के, मतलब पूरा आपने सेल कर लिया था? 25,000 फ्रेंड्स फैमिली जितने लोगों को हो सका कॉल कर करके वी डिड, तभी हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला वहां से. आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? तो मेरा और एक एक मतलब दो तीन क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं पॉडकास्ट को कंप्लीट कर दूंगा. अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन. जैसे कि अब क्या होता है पढ़ाई में, जैसे डिस्ट्रैक्शन का एक ये भी रीज़न है रिलेशनशिप का. एक होता है एक गुड रिलेशनशिप, एक होता है एक बैड रिलेशनशिप. तो क्या मतलब रिलेशनशिप को कैसे देखते हो आप लोग? जैसे आपने बोला एक गुड रिलेशनशिप एक बैड रिलेशनशिप, तो अगर आपका गुड रिलेशनशिप है तो आपको हर जगह अपलिफ्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा टू ग्रो इन योर करियर एंड ऑल. अगर क्योंकि यही एक पॉइंट होता है ना कि अभी आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, फिर आपको करियर भी इम्पोर्टेंट है, फिर लव लाइफ भी मतलब जस्ट लाइक इम्पोर्टेंट है. तो मतलब कैसे मतलब बहुत क्रूशियल एज होता है एक्चुअली, बहुत क्रूशियल एज होता है. वो एज में या तो आप सच में सक्सीड कर जाते हो या तो एकदम डाउनफॉल हो जाता है. अभी रिसेंटली एक मूवी आया था 12 फेल, तो वो मूवी देखे, हम तो देखे नहीं है, पर रियल लाइफ में वैसा से 1% केसेस में ही होता है, नॉट ट्रू. हाँ, एंड आपके लाइफ का सक्सेस मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पार्टनर चूज करते हो, उस पे भी डिपेंड करता है वेदर ही इज सपोर्टिव और नॉट. अब अगर वो बार बार आपको टॉर्चर कर रहा है या कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर थिंग्स, तो डेफिनेटली क्विट दैट रिलेशनशिप. अगर आपका रिलेशन आपके मतलब पापा के साथ भी अच्छा नहीं है या मम्मी के साथ भी अच्छा नहीं है, बहुत सारे केसेज में मैंने देखा है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. डेफिनेटली मैंने बहुत सारे केसेज में देखा है कि घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता है, एंड दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन बिटवीन दोज चिल्ड्रेन. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हटा सको. बहुत सारे केसेस में आप सॉरी एक्सक्यूज मी नहीं हटा सकते हो, लाइक अपने मम्मी पापा के केसेस में, बट ये बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड इज ऑल अबाउट योर डिसीजन.
अगर सामने वाला आपके लिए सपोर्टिव है तो आप वो डिसीजन लो, नहीं है तो डेफिनेटली उसको वहीं पे क्विट करो, अदरवाइज आपकी लाइफ हेल होने वाली है। क्योंकि कल को अगर वो क्विट कर गया या कर गई तो फिर आप कहाँ रहोगे वो आपको खुद भी नहीं पता है। और अगर ऐसा हो कि अगर मतलब होता है ना कि मतलब एक ही फील्ड से हो तो दोनों को हेल्प आउट भी मिल जाता है, भाई एग्जैक्टली देन दैट्स अ गुड रिलेशनशिप। पढ़ाई में भी हेल्प आउट मिल जाता है, दैट्स अ गुड रिलेशनशिप। दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में कि दोनों साथ में पढ़ रहे, साथ में एक कंपनी में गए, साथ में ग्रो कर रहे, देन गेटिंग मैरिड, तो फिर बहुत एक अच्छा फेज हो जाता है लाइफ का। हाँ ये बात भी है। तो मतलब अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। मैं चाहूँगा कि आप दोनों वंस अगेन और भी आओ मेरे पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोग और भी फॉरेन ट्रिप करो, जो जो आप लोग का ड्रीम है जितना भी आप लोग का फुलफिल हो जाए। तो मतलब इसी तरह हमारे इस चैनल पे भी मतलब सपोर्ट करते रहे एटीएम पाथ में। अगर आप लोगों का कुछ भी क्वायरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट करें, मैं इन दोनों को क्वेश्चन है ना ट्रांसफ़र कर दूंगा, जो लोग इनसे मैं बात करके हेल्प आउट हो जाएगा आप लोगों का। इसी तरह हमारे इस चैनल को भी देखते रहें और हमारे टीम को भी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू फॉर सुमित भैया जो कि इन लोगों को लेकर के आए। थैंक यू।